तो दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस की हॉकआई टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हॉकआई टीम ने स्नैचर्स और चोरों पर कार्रवाई कर अभी तक 858 मामले दर्ज किए हैं और कईयों को हवालात के रास्ते दिखाए हैं। रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हॉकआई टीम का अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 858 मुकदमे दर्ज। जिले में हॉकआई टीम 24/7 मुस्तैद। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में दिल्ली पुलिस की हॉकआई टीम हर तरह से मुस्तैद है। हॉकआई टीम के पास जैसी तेज निगाहें, क्राइम करने, स्नैचर्स और रॉबर्स पर इस तरह से बनी हुई है कि जैसे ही क्राइम को अंजाम देने के लिए स्नैचर्स सड़कों पर निकलते हैं, वैसे ही पुलिस उन्हें धर दबोच लेती है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं क्राइम उतनी ही तेजी से दिल्ली के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पिछले एक साल पहले हॉकआई टीम का गठन किया गया और टीम इस तरीके से काम कर रही है, जो स्नैचर रोबर्स हैं उनको अपने चंगुल से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रही। और दिल्ली में अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा अगर मामले दर्ज किए गए हैं तो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं। इस कड़ी में जब जनतंत्र टीवी की टीम ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP विजेंद्र कुमार यादव से बात की तो उनका कहना है कि आरोपियों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हॉकआई टीम की बात जैसी निगाहों और उनकी चतुराई से कोई नहीं बच सकता। हमने 600 से ऊपर प्रोफाइल निकाले स्नैचर्स और रॉबर्स की। हमने डिस्कवर किया दिखते कैसे हैं, और जब हमने दिखा उनको, देखा उनकी प्रोफाइल निकाली, तो हमें मालूम हुआ कि 80% से ज़्यादा स्मैक अब्यूजर्स हैं। क्योंकि एक बार स्नैचर पकड़ा जाता है वो काफ़ी चौकस हो जाता है, वो जानता उसे कैसे और किस प्रकार से पहले पकड़ा गया था, तो उसको फिर धोखा देना इतना आसान नहीं होता। तो अपने आप को, अपनी वेशभूषा को दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है, कपड़े लगातार चेंज करने पड़ते हैं, आसपास के माहौल में रमना पड़ता है, वो इस काम के अंदर महारथी होते जा रहे हैं। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये पहचानते हैं स्नैचर्स और रॉबर्स को। इसे कह सकते हैं प्रिवेंटिव पुलिसिंग है, यानी अपराध के होने से पहले ही उसको रोकने की हमारी कोशिश। आगे DCP आउटर नॉर्थ ने बताया कि ये रॉबर्स और स्नैचर्स नशे के आदि होते हैं। ऐसे में जब हॉकआई टीम इन अपराधियों को पकड़ने जाती है तो वो पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर देते हैं, जिससे पुलिस कर्मियों की जान को खतरा रहता है। अपने सोचने समझने की शक्ति का हास हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो आपने जब एग्जाम्पल दी चेतन, कल ही ऐसा हुआ है और माननीय कमिश्नर साहब ने बुला के उनको सम्मानित भी किया है, क्योंकि चेतन पे अटैक हुआ, चक्कू से उसको यहाँ मारा गया। जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 से, तब से लेके अब तक हमने 800 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया है। ये अरेस्ट वारदात CCTV में कैद हुई उसके आधार पे हुई हैं, इनके पास से रिकवरीज हुई हैं, इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट हुआ है, और रिकवरी की परसेंटेज बहुत अधिक हमारे पास में, तो लगभग 550 से ऊपर अपनी रिकवरी हमारे पास में, जिनमें 150 से ऊपर चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं, कई देसी कट्टे हैं, मोबाइल्स हैं जिनका कि मिलना, जिनका FIR हो चुकी है स्नैचिंग की। आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन हॉकआई टीम का गठन हुआ है, तब से सिर्फ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 858 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई है। जिस तरह से आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगातार स्नैचर और रॉबर को लेकर ऑपरेशन हॉकआई टीम बनाकर अपराधियों पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जल्द ही आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम मुक्त हो सकता है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश आस्थाना, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP विजेंद्र कुमार यादव को पहले ही इस कार्य से प्रेरित होकर सम्मानित कर चुके हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।